हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, टू प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स। तो जब आप कंपनीज को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं या रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं, तो जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं कंपनी को अपने आप को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वहाँ दो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं। एक होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे कहते हैं MOA, और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे कहते हैं AOA। ये दो डॉक्यूमेंट्स इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही कंपनीज को सबमिट करना पड़ता है ROC में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ठीक है, तो अब ये क्या क्या होता है हम ये समझते हैं। MOA हम किसे कहेंगे और AOA किसे कहेंगे। तो यहाँ हम MOA की बात करते हैं पहले। तो MOA क्या होता है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि कंपनी किस पर्पज़ के लिए क्यों रजिस्टर हो रही है, मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के पीछे रीज़न क्या है। तो कंपनी जिन जिन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगी, इंगेज रहेगी उस इनकॉर्पोरेशन के ड्यूरेशन में, तो वो सब यहाँ पे मेंशन होता है, राइट। तो ये क्या करती है, MOA आपके लिए बेसिकली वो पूरी बाउंड्रीज लाइन बता देती है जो कंपनीज़ को करना है और जो कंपनीज़ को नहीं करना है। मतलब एक लिमिट्स आपको सेट कर दी जाएगी कि बियॉन्ड विच आप वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें आपको कहाँ से पता चलेंगी, MOA, मतलब आप उस, ये क्या है, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट है ना, तो आपने एक फाइल ली, उसमें अपने बातें लिखी कि जो हम ये एसोसिएशन कर रहे हैं या जो कंपनी हम फ्रेम कर रहे हैं वो कंपनी इस पर्पज़ के लिए फ्रेम हो रही है। ठीक है, वो ये वर्क करेगी, ये वर्क करेगी, तो ये जो चीज़ें हम मेंशन करते जा रहे हैं ना, वो सब MOA ही कहलाएगा। उसको इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनीज़ को फॉर्म करने का जो मेन पर्पज़ है वो आउटलाइन होता है, मतलब किस रीज़न से हमने इस कंपनी को फ्रेम किया है, वो ऑब्जेक्ट, वो सारी चीज़ें, कंपनी की पूरी डिटेलिंग इस डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स और क्या करता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट और कंपनी की पावर दोनों ही बताता है। मतलब MOA में कंपनी के पास क्या क्या पावर्स हैं और वो क्या ऑब्जेक्ट के साथ इस्टेब्लिश हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, वो बातें वहाँ पे मेंशन होती हैं उस डॉक्यूमेंट्स में। ठीक, तो अब ये तो बेसिक सी बात हो गई जो हम इन जनरली समझते हैं कि MOA में क्या होगा। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 में क्या कहा गया, वहाँ बोला गया कि MOA क्या होता है। तो उन्होंने कहा, मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। तो मेमोरेंडम मतलब क्या हो गया इनका, जब भी ये मेमोरेंडम की बात करें, इसका मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है किसका, कंपनी का, जो ओरिजिनली फ्रेम होगी किसी पर्पज़ के लिए, किसी रीजंस की, किस पावर ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हुए, और टाइम टू टाइम इसको अल्टर किया जा सकता है जो भी कंपनीज लॉ पहले हैं इस एक्ट के थ्रू हैं उनको रेफरेंस में रखते हुए, राइट। अब इसी चीज़ को और अच्छे से एलैबोरेट किया गया कहाँ पे, लॉर्ड मैकमिलन के डेफिनेशन में। लॉर्ड मैकमिलन ने क्या कहा, उन्होंने कहा, द पर्पज़ ऑफ द मेमोरेंडम इज़ टू इनेबल द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर एंड दोज हु डील विद द कंपनी टू नो व्हाट इज़ इट परमिटेड रेंज ऑफ एंटरप्राइज। उन्होंने कहा, मेमोरेंडम बनाने का, ये जो रिटन डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं जिसको हम मेमोरेंडम बोल रहे हैं, उसको तैयार करने का एक ही पर्पज़ है कि जो लोग कंपनी से डील करते हैं ना, तो कंपनी से डील कौन करता है, शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, मतलब जो आउटसाइडर्स हैं, है ना, डिवेंचर्स होल्डर्स, तो जो क्रेडिट, जो कंपनी के आउटसाइडर लोग हैं जो कंपनी से डील करते हैं, वो ये जान सकें कि इस ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी से, जिस इंटरप्राइज से वो डीलिंग कर रहे हैं, उसकी लिमिट्स क्या है, उसको क्या क्या परमिट है, उसकी रेंज क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसकी पावर क्या है, मतलब उसके लिमिट्स क्या है जिसके बियॉन्ड वो काम नहीं कर सकता है। ये सब उनको बताने के लिए, जहाँ पे जो बात बताई जाती है, जिस जगह पे ये बात बताई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरेंडम। सो बेसिकली मेमोरेंडम जो होता है वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है, इसको हम चार्टर ऑफ कंपनी भी कहते हैं, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जनरली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि मेमोरेंडम, चार्टर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कौन होता है, तो मेमोरेंडम को ही चार्टर ऑफ कंपनी कहते हैं। ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट्स होती है, ये रिलेशनशिप बताती है कंपनी और आउटसाइडर को, है ना, वो उनके बीच में रिलेशन या उनको अवेयर कराती है कंपनी के रिगार्डिंग, तो ये चीज़ आपका इसमें होता है। इसके अलावा ये कैसा होता है, मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट होने का मतलब
कोई भी पब्लिक किसी भी कंपनी के बारे में, उसके ऑब्जेक्ट के बारे में, उसकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहती है तो वो MOA को पढ़ सकती है, उसको इंस्पेक्ट कर सकती है। तो पब्लिक इसको आराम से रीड कर सकती है। वो ROC में अप्लाई करना हो तो कुछ फ़ीस देनी पड़ती है और आप किसी भी कंपनी का MOA उठा के रीड कर सकते हैं। तो ये कैसा है, पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जाती है ना, तो इनकॉर्पोरेट करते वक्त जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसी में ROC में आपको ये MOA भी सबमिट करना पड़ता है। इसीलिए इसके तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन के टाइम ही इसको सबमिट करना पड़ता है। अब क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम की बात करते हैं। ये तो ठीक है कि ये मेमोरेंडम हो गया, मेमोरेंडम कहेंगे किसको, ये बात तो क्लियर हो गई। अब जब हम इस कह रहे हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट है तो इसमें हम सब कुछ लिखेंगे, भाई ये हमारा, हम इस पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश हुए हैं, ये हमारा रेंज है, हम यहाँ तक काम करेंगे, ये हमारा पावर है, इसके बियॉन्ड हम काम नहीं करेंगे, एंड ऑल जो चीज़ें मेंशन है उसको कैसे मेंशन करते हैं। तो मेमोरेंडम में जो बातें लिखी जानी है ना उसको कहते हैं क्लॉजेस। मतलब कि आपको जो बात कहनी है, जैसे आप लिखते हो तो हेडिंग डालते हो ना कि इस, ये हेडिंग है, इससे रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, ये नेक्स्ट हेडिंग है, इससे रिलेटेड कंटेंट यहाँ मिलेगा, होता है ना। एक ही चैप्टर में आपको अलग अलग हेडिंग होती है, इसी तरीके से मेमोरेंडम में उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉजेस कहेंगे, ठीक है। तो मेमोरेंडम में जितनी बातें मेंशन करनी है ना उसको हेडिंग में डिवाइड कर दिया गया, मतलब क्लॉजेस में डिवाइड कर दिया गया। तो टोटल 6 क्लॉज यहाँ पे बताए जाएंगे, 6 नहीं 7 क्लॉज होते हैं बेसिकली, पर 7th वाला जो क्लॉज होता है वो सिर्फ OPC के केस में होता है। तो ये जो 6 क्लॉजेस हैं ना ये आपको बताएंगे कि आपको इस, ये मैटर है तो इसको इसके अंदर, इस हेडिंग के अंदर डालो, ये मैटर है तो इसको इस हेडिंग के अंदर डालो। तो दैट इज़ क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में क्या क्या बातें लिखी जाएंगी। तो MOA है 6 क्लॉज, मैं आपको फिर से बता दूँ टोटल 7th क्लॉज है, लेकिन 7th वाला क्लॉज जो है सिर्फ OPC के लिए है, ठीक है, और 6 क्लॉज आपके सभी के लिए हैं। तो MOA हैज़ अ 6 क्लॉज, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द मेमोरेंडम एवरी कंपनी मस्ट कंटेन 6 क्लॉज, ठीक है। तो सेक्शन 4 में बताया गया है कि कंपनीज़ के पास, कंपनीज़ के मेमोरेंडम में कितने क्लॉज होने चाहिए, टोटल 6 क्लॉज होने चाहिए। अब वो क्लॉज कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका नेम क्लॉज, ठीक है, मतलब यहाँ पे कंपनी के नेम के बारे में कि क्या है कैसे उसके रिगार्डिंग होगा। फिर हो गया रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, राइट। उसके बाद हो गया आपका लायबिलिटी क्लॉज, देखिए ऑब्जेक्ट क्लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि यही सब कुछ आपको बताने वाला है ना। फिर आपका हो गया लायबिलिटी क्लॉज जो आप नॉर्मली सुन रहे हैं, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, कैपिटल क्लॉज, देन आपका आता है एसोसिएशन क्लॉज। सो बेसिकली ये क्या हो गया, ये वो 6 चीज़ें हो गई, 6 क्लॉजेस हो गए जिनके अंदर आपकी सारी बातें लिखी जाने वाली हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जितनी अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं ना उनको लायबिलिटी और कैपिटल क्लॉज भी मेंशन करना मैंडेटरी नहीं होता है, उनके में अनलिमिटेड में लायबिलिटी और कैपिटल क्लॉज इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी है, अदरवाइज 6 क्लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं जो मेंशन होते हैं, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब आपका नाम कैसे है, क्या है आपने रखा है, फिर आप कहाँ, आपका ऑफिस एड्रेस क्या है, किस पर्पज़ के लिए आप आए हो, आपके लोगों की लायबिलिटीज़, मेंबर्स की लायबिलिटीज़ का क्या कंडीशन है, कितने कैपिटल के साथ आप आए हो और कौन कौन लोग मिलकर आपको बनाए हैं एसोसिएशन, राइट। यही 6 चीज़ें आपकी क्लॉजेज में, मेमोरेंडम में मेंशन होती हैं। हम एक एक करके एक एक को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं नेम क्लॉज की। तो नेम क्लॉज क्या कहता है आपका, कि द मेमोरेंडम ऑफ एवरी कंपनी मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम में ये बात लिखी जानी चाहिए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। अब जहाँ पे लिमिटेड वर्ड लगाना है तो वो लिमिटेड वर्ड लगना चाहिए, पब्लिक है तो पब्लिक मतलब पब्लिक लिमिटेड केस में लिमिटेड लिखेगा जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाएगा। तो आपका जो पर्टिकुलर नाम के साथ अटैच होने वाला है वो चीज़ भी वहाँ मेंशन होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड है पब्लिक, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड और सिर्फ लिमिटेड, ये सब यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, राइट। नेम क्लॉज में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूँ कि जो नेम क्लॉज होता है उसमें क्या होता है कि लोग, आप कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, आप उनको नहीं ले सकते, जैसे UNO हो गया है ना, आपके नेशनल फ्लैग के रिगार्डिंग हो गया, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इनसे रिगार्डिंग UNO, WHO, इस तरह के नाम प्रोहिबिटेड हैं, आप इन सब का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन दो आप, ये भी होता है कि आप जो है अपना कुछ अगर स्पेसिफिक नाम सोच रहे हैं तो उसको रिजर्व भी कर सकते हैं, रिजर्वेशन ऑफ नेम भी आपका है कि आप सोचते हो कि कल को हम बिजनेस करेंगे लेकिन मेरा नाम आज से ही रिजर्व, या कोई और वो नाम ना ले ले, तो ये सब नेम क्लॉज के अंदर आ जाता है।
देन नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस या डोमिसाइल क्लॉज. ये बताता है कि कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, है ना. तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या मतलब होता है कि जैसे आप कहते हैं ना आपके घर का एड्रेस, तो जब आप कंपनी बना रहे हो तो उसका एक अपना एक ऑफिस होना चाहिए. ये ऑफिस कैसा होगा कि जहाँ पे कंपनीज के जितने भी स्टैट्यूटरी बुक्स हैं वो वहाँ मेंशन होंगे, मतलब उनका रजिस्टर्ड ऑफिस उसे हम कहते हैं. मतलब MOA में जिस ऑफिस का एड्रेस मेंशन होगा वो क्या कहलाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहलाएगा. तो जितने भी जैसे कहते हैं ना कॉरेस्पॉन्डेंस, जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे वो सब वहीं पर आएंगे, और जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहीं पर होंगे. तो जितना भी नोटिस या कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी वो सब कहाँ पर सेंड की जाती है, रजिस्टर्ड ऑफिस में. आपके लीगल पेपर कहाँ रखे जाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाएंगे. मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब क्या हो गया, वो ऑफिस का एड्रेस जो आपके MOA में लिखा गया है, इस क्लॉज के अंदर मेंशन किया गया होगा, ठीक है. तो एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर एंड ऑल टाइम्स देयर आफ्टर. तो कहा गया देखिए इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट दो चीज़ हो गई. एक हो गया इनकॉर्पोरेट करना, कंपनी को बनाना. कमेंसमेंट मतलब बिजनेस शुरू करने की पावर मिलना. तो इनकॉर्पोरेशन के बाद कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है. इनकॉर्पोरेशन ये बताता है कि कंपनी बन गई, है ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई. अब कंपनी काम करना शुरू करेगी वो कौन देता है, जैसे कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है. तो कहा गया कि कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए 30 दिनों के अंदर, या तो पहले मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई या कमेंसमेंट हुई, जो भी पहले चीज़ हो गई हो उसके 30 दिनों के अंदर आपका क्या हो जाना चाहिए, आपका अपना एक ऑफिशियल एड्रेस होना चाहिए. आप कोई भी ऑफिस खोलते हो ना तो एक ऑफिस एड्रेस तो होता ही है, वैसे ही आप समझिए आप कंपनी खोल रहे हो तो आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए. और रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ लिखा रहेगा, MOA में. MOA में जो एड्रेस दिया गया वही रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज की. तो ऑब्जेक्ट क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है. ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब क्या है, आपकी कंपनी मेमोरेंडम का मेन मतलब ही यही है कि हमारी कंपनी इस्टैब्लिश क्यों हुई है. और मेमोरेंडम पढ़ के इंसान को सब पता चल जाता है. पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में इसीलिए रखा गया ना कि इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का रियल नेम क्या है, कंपनी किस पर्पज़ के लिए आई है, उसका ऑफिस कहाँ पर है, आपको सब चीज़ पता चल जाने वाली है. कौन लोग मिल के एसोसिएट होकर इस कंपनी को बनाएं, सब बातें आपको मेमोरेंडम से पता चल जाती हैं, ठीक है. ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कहता है कि द मेमोरेंडम मस्ट स्टेट द ऑब्जेक्ट फॉर विच द प्रपोज्ड कंपनी इज टू बी एस्टैब्लिश. जिस कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हो, जिसका डॉक्यूमेंट आप MOA दे रहे हो, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बात मेंशन होगी कि ये कंपनी हम किस वजह से बना रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हम क्या काम करेंगे. तो ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप अगर अपना ऑब्जेक्ट बता रहे हो कि हम इस पर्पज़ के लिए इस्टैब्लिश हो रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट आप जो काम करना चाह रहे हो वह ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें जो पॉलिसीज़ मेंशन है उसके खिलाफ हो, है ना. तो जैसे कि आप क्या कर रहे हो, अनटचबिलिटी को इनकरेज कर रहे हो, लाइक अनटचबिलिटी मतलब छुआछूत जैसे डिस्क्रिमिनेशन करना. तो आपका ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेशन को इनकरेज कर रहा हो. जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मतलब बहुत पहले की बात करें तो जब हमारे पास ब्रिटिश रूल था तो रूल क्या था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड. होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड. ये क्या है, ये अनटचबिलिटी को है. मतलब अगर आप एक होटल हो, आप एक रेस्टोरेंट हो और आपने है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आप बता रहे हो कि आप अलग हो. तो आप ये चीज़ क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी बाहर है. ऐसी बात हम अलाउ नहीं करते हैं कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो आप कि उसकी कास्ट के बेसिस पे या किसी इलनेस की वजह से. जैसे होता है ना बहुत सारी बीमारियों को लोग, डिसीजेस को लोग कहते हैं कि ये अनटचबिलिटीज को छू देंगे तो हो जाएगी. तो ये चीज़ें गलत है. तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेट आपका कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं हो सकता है जो कि किसी भी तरीके से किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो, राइट. नेक्स्ट है आपका होता है जो चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज बनाते वक्त ध्यान रखनी चाहिए. तो एक तो ये कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज़, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट आपका नहीं होना चाहिए जो कि इलीगल हो या जो पॉलिसीज पब्लिक के रिगार्डिंग होती हैं, जो हम पब्लिक नॉर्म्स कहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये लोगों के बीच में होना चाहिए. जैसे हम कहते हैं ना मर्डर क्राइम, ये प्रोहिबिटेड है क्योंकि हम सोशली ये मानते हैं ना, ये नॉर्म्स है, सबको पता है ये चीज़. तो ऐसी कोई पब्लिक पॉलिसी हो या कोई इलीगल वर्क हो, इन सब के अगेंस्ट आपको काम, आपका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है. इसका मतलब जैसे एग्जांपल कि आप एक कंपनी बनाने जा रहे हो जो लॉटरीज में, है ना, गैम्बलिंग वगैरह में डील करना चाहती है या एलियन एनिमीज से कनेक्टेड है, मतलब जो आपके देश के जिनको आप कहते हैं एनिमीज़ हैं, आप कंपनी फ्रेम करो उनके साथ मिलके. तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो ऐसे ही है, हमारे इंडिया में आके आ गई थी. तो ये बात तब से ध्यान दी जाती है कि भाई कोई भी ऐसी कंपनी जो हमारी एनिमी हो,
उसके साथ कोई भी कंपनी नहीं फ्रेम होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ से आके बन के नहीं बैठनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको ये ध्यान देना होगा, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। देखिए साथ में इसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज में बहुत सारी बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। लाइक अगर आप अपना नाम बना रहे हो और आपका नाम जो है ऐसा है कि आपका ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक्स वाई जेड सुगर लिमिटेड, है ना, तो ये नाम ही बता रहा है, या टाटा सुगर लिमिटेड, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है वो सुगर कंपनी में काम कर रही है, इसका नाम ही इसकी ऑब्जेक्ट को बता रहा है, राइट। तो जैसे होता है टाटा मोटर्स, तो बता रहा है कि ये टाटा जो है वो मोटर्स में डील करने वाली है, तो इनका नेम जो है ना ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। अभी ऐसी कंपनीज़ इस ऑब्जेक्ट जिस जो नेम में इनके बताया जा रहा है इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकती हैं। लाइक एक्स वाई जेड सुगर लिमिटेड है तो वो सुगर में ही काम करेगी, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि इसके नाम में ही ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया। वहीं पर ऐसी होती हैं जैसे एक्स वाई जेड एंड सन्स लिमिटेड, मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं हुए इसके नाम पे, तो ये एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में काम कर सकते हैं, उनके पास एक से ज़्यादा काम के लिए तरीके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें ऑब्जेक्ट क्लॉज में होती हैं, फिलहाल इतनी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न के खिलाफ हो, है ना। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो बात मेंशन कर दी गई कि मैं इसी पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हुआ हूँ और मैं यही काम करूँगा, आप कभी भी उस काम के बियॉन्ड काम नहीं कर सकते, मतलब जो ऑब्जेक्ट में लिखा है उस ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करते उसी को बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, ठीक है, अल्ट्रा वायरस। तो इस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज क्या होता है, मेमोरेंडम डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। मेमोरेंडम में ये बात भी बताओ मेंशन होती है कि जो उनके मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी, है ना। अब ये लाइबिलिटी जो होती है वो दो तरीके से होती है, हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है या कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है। लिमिटेड बाई गारंटी है तो फिर क्या कंडीशन होगी, लिमिटेड बाई शेयर्स है तो फिर क्या चीज़ होगी, वो सब लाइबिलिटी क्लॉज में मेमोरेंडम के जो लाइबिलिटी क्लॉज होगा वहाँ मेंशन होती है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लॉज क्या होता है हमारा, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या बता रहा है कि हम कितने पैसों के साथ इस कंपनी को फ्रेम कर रहे हैं, है ना। तो इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, इतने कैपिटल के साथ हम रजिस्टर्ड हो रहा है, और ये क्या कहलाता है, रजिस्टर्ड ऑथराइज ए नॉमिनल कैपिटल। देखिए जब कैपिटल होता है ना तो कई तरीके से कैपिटल होते हैं, जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल, है ना। ये सब क्या है, ये सब कैपिटल्स के फ्रेमिंग है, इसका एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस जैसे मैंने आपको बताया सेम सीक्वेंस में है। तो ऑथराइज कैपिटल मतलब क्या होता है ना, इसी को कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, मतलब आपका मैक्सिमम कैपिटल आपकी कंपनी में इतने का होगा, ये ऑथराइज कैपिटल है। जैसे मैंने कहा मेरी कंपनी में 100 करोड़ तक का कैपिटल होगा, तो मैंने रजिस्टर्ड करवा लिया, तो मेरी कंपनी 100 करोड़ कैपिटल के साथ रह सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज ही मेरे कंपनी में 100 करोड़ कैपिटल हो गया, मैक्सिमम लिमिट दे दी, हो सकता है आज हमने जो इशू किया वो 85 करोड़ किया हो, है ना, मतलब इशूड अलग हो गई कि हमने कितने पैसे इकट्ठा करवाए हैं तो वो इशूड हो गया, सब्सक्राइब हो गई कि हमने 50 करोड़ के लिए इशू करवाया, लोग ने कितना सब्सक्राइब किया वो 50, जितना इशू कराओगे उतना होगा या उससे कम होगा, है ना। तो इस हिसाब से सब्सक्राइब हो गया। अब जो लोगों ने सब्सक्राइब किया उनसे कॉल अप करते हैं कि कितना पैसे उनसे मंगा रहे हैं, हमने मंगाया तो 10 दिया लोगों ने, 8 ही, पेड अप कितना हुआ, तो इस तरह से चीज़ें, तो पेड अप कैपिटल अलग हो गई, कॉल अप कैपिटल हो गई, इशूड कैपिटल अलग हो जाती है। तो ऑथराइज कैपिटल मतलब आप रजिस्टर्ड कितने से हो रहे हैं, मैक्सिमम कैपिटल आपके यहाँ पे इतनी होगी। ऐसा नहीं कि एक बार हमने मेमोरेंडम में बनाते वक्त इनकॉर्पोरेट करते वक्त जितना रजिस्टर्ड कैपिटल बता दी बस उतना ही हमेशा रहेगी, हम इस कैपिटल को भी चेंज कर सकते हैं, अल्टरेशन पॉसिबल है, राइट। तो उसे हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। तो ये क्या कहते हैं, लिमिट बियॉन्ड विच द इशूड कैपिटल शुड नॉट एक्सीड। अगर मैंने कहा मेरे बिजनेस की जो कैपिटल होगी वो 100 करोड़ होगी, तो अब ये मेरा रजिस्टर्ड कैपिटल हो गया, अब मैं इशू करूँगी तो या तो मैं 100 करोड़ करूँ या मैं 50 करूँ, 75 करूँ, है ना। मैं 100 करोड़ से कम कर सकती हूँ या 100 करोड़ तक कर सकती हूँ, 100 करोड़ से ज़्यादा की कैपिटल मैं कभी इशू नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि ये मेरी मैक्सिमम लिमिट थी, ये पूरी लिमिट ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर कर रहे हो तो ये मैक्सिमम ऑथराइज है, इससे ज़्यादा पैसा आप नहीं मांग सकते हो, ये कैपिटल क्लॉज में मेंशन होता है, राइट। अब आती है बात लास्ट, दैट इज एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये क्या होता है, एसोसिएशन इसमें होता है कि इतने कंपनी है ही क्या, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इंडिविजुअल्स है, तो लोग मिलके बना रहे हैं, तो अब कितने लोगों ने मिलके बनाया ये मेमोरेंडम में मेंशन होता है, मतलब। तो MOA मस्ट बी साइंड बाई दी एटलीस्ट 7%। अब जैसे कि आपको पता है अगर आप पब्लिक हो तो कम से कम 7 लोग मिलके तब कंपनी फ्रेम कर सकते हो, आप अगर प्राइवेट हो तो 2 लोग भी मिलके आए तो कंपनी को बना लोगे आप। तो इसका मतलब जब
जब मेमोरेंडम आप तैयार कर रहे हो तो अगर आप प्राइवेट बनाने जा रहे हो तो कम से कम दो लोग तो वहाँ होने चाहिए, दो मेंबर होने चाहिए जिनका आप नाम मेंशन करो कि हम दो मिलकर कंपनी बना रहे हैं। अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो सात लोगों के नाम वहाँ मेंशन होने चाहिए कि हम सात लोग मिलकर इस कंपनी को बना रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो हु आर डिज़ायर फॉर फॉर्मिंग देमसेल्व्स इनटू अ कंपनी, जो ये डिज़ायर रखते हैं कि हम सब मिलकर एक कंपनी फ्रेम करेंगे, मतलब हमारे आज से हम एक कंपनी बन जा रहे हैं, तो उन वो लोग यहाँ पर उनके नाम यहाँ पर मेंशन होते, दैट इज़ एसोसिएशंस, राइट, ये सब्सक्रिप्शंस। तो सच पर्सन सॉल्ड कॉल्ड और कॉल्ड सब्सक्राइबर, यही लोग क्या कहलाएंगे, सब्सक्राइबर, क्योंकि इन्होंने ही फ्रेम किया है कंपनी को। तो MOA मस्ट बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस। अब इन लोगों के नाम है कि ये लोग मिलकर बना रहे हैं, तो एक विटनेस, कम से कम एक विटनेस का होना ज़रूरी है जो उस पर MOA पे साइन करेगा कि हाँ ये लोग हैं, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन में हैं, ठीक है। अब मैं अगर मेंबर हूँ, मैं मिलके इस कंपनी को बनाने जा रही हूँ, तो मेरा वहाँ पे शेयर भी होना चाहिए, कम से कम एक शेयर मेरे नाम से तो होने ही चाहिए, है ना। तो ये होते हैं सब्सक्राइबर मस्ट टेक एटलीस्ट वन शेयर, तभी तो आपका इंटरेस्ट दिखता है कि हाँ भाई इंटरेस्ट है। फ्रेम करने का मतलब ही नहीं हो गया, आपके शेयर सबके पैसे लगे होंगे तभी तो आपका इस पर इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो ई सब्सक्राइबर मस्ट राइट द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय हिम अपोजिट हिज नेम। मेरा नाम है, मैं इस कंपनी को एसोसिएट कर रही हूँ, बना रही हूँ, और मैंने इतने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड किए हैं, तो नाम उसके सामने उनके नंबर ऑफ शेयर्स जो उतने होल्ड किए, कम से कम हर एक मेंबर के सामने एक शेयर्स तो होने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट वन शेयर। तो ये हो गया एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। उसके बाद हमारा सेवन्थ क्लॉज आता है, दैट इज़ नॉमिनेशन और सक्सेशन क्लॉज। ये किस केस में आएगा, OPC के केस में, क्योंकि OPC में क्या है, एक ही इंसान ने बना दिया कंपनी को। अब अगर इन केस उस एक पर्सन को कुछ हो गया तो कोई तो उसका नॉमिनी होना चाहिए, इसीलिए नॉमिनेशन क्लॉज को रखा गया। तो इन OPC द नॉमिनी शुड बी रजिस्टर्ड इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर आपको पता है वही मेंबर हुआ जिसने सब्सक्राइब किया, जिसका MOA में एसोसिएशन क्लॉज के अंदर नाम मेंशन है, ठीक है। तो प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ नॉमिनी इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन, बट ऑब्वियसली बात है मैं आपको नॉमिनी बनाने जा रही हूँ, क्या अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं आज से आपकी ये कंपनी आपकी होगी, तो कम से अब आपकी होगी कंपनी का मतलब लाइबिलिटी भी आपकी होगी, है ना, कैपिटल भी आपकी होगी, सब आपका हो गया, तो कम से कम आपको इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, तो आपकी रिटन कंसेंट यहाँ पे होनी चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट मेमोरेंडम क्लॉजेस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये पूरा MOA है। अब इसमें अल्टरेशन होता है, एक बार जब अपने कंपनी को बनाया, क्योंकि ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब कंपनी रजिस्टर होने जा रही तभी ये सब बन के तैयार हो गया, तभी सबमिट हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि तब आपने सबमिट किया और अब आपको इन फ्यूचर 10 साल 5 साल कुछ सालों के बाद आपको ऐसा लगता है कुछ चेंज करना चाहिए, तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। तो अल्टरेशन MOA में पॉसिबल है, लेकिन अब अलग बात है कि किस MOA के किस क्लॉज को अल्टर करने के लिए, किस बात को अल्टर करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, किस बात के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, ये सब बातें एक अलग मैटर आ जाती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।